वो मेरा बच्चा गिरवाने का दवा लेकर आया, मुझे बहला फुसला के खिला दिया, बोला कि बुखार का दवा है खा लो। मैं दवा खाई और मेरा बच्चा नुकसान हो गया। मैं मर जाऊंगी पर वही रहूंगी, वहां से हटूंगी नहीं। और मैं भी देखती हूँ कौन सा प्रशासन आता है मुझे हटाने के लिए वहां से। वैसे ही वो शादी करता है, किसी के साथ मजा लेता है, छोड़ देता है, उसका धंधा रहूंगी, उसके दुआरे पर धरना दूंगी, वही मरूंगी या फिर जीऊंगी, पर रहूंगी तो उसके साथ ही रहूंगी। और गंदा कर ही दिया है, अब क्या दोहरा गंदा करेगा, गंदा पूरा कर दिया है, नाम हंसा दिया है पूरा कुशवाहा। ऐसे कॉलर पकड़ लेता है, ऐसे मारने लगता है उनको। ये बताइए, जो लड़का अपने माँ बाप को मार रहा है उनको कुछ कदर नहीं कर रहा है, जाएगा वो धोखा ही करेगा। अच्छा, वो देश के साथ गद्दारी कर सकता है, जब एक लड़की को अपना नहीं सकता तो किसको क्या अपनाएगा। भाजपा सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा जी, अरे भाजपा वाले सुन लीजिए, लड़की को याद है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अभी हम देवरिया जिले में हैं और इस वक्त हम माली बाड़ी गांव में हैं, और मेरे साथ जो महिला खड़ी है इसके साथ प्यार में धोखा मिल गया है। और प्यार में धोखा पहले बिहार में ज्यादातर मिलता था, लेकिन अब देखिए कि जोगी बाबा मतलब कि बुलडोजर बाबा के सरकार में इतने अब यहाँ के अधिकारियों का खौफ भी नहीं है। जहां पे कादून अधिकारी जोगी बाबा का नाम सुनते ही दहशत में आ जाते हैं, अब वहां के एक एक छोटे तबके के लोग में भी डर नहीं है कि शादी करते हैं, यूज करते हैं और फिर थाने के सहमति के द्वारा इनको छोड़ भी देते हैं। अब आइए इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर इन लोगों का जो प्यार का इजहार है जो आसमान पे चढ़ा, अब कैसे उतर गया। और इनका नाम क्या है जी? देवी कुशवाहा। मतलब कि बेबी देवी है, यही ना? बेबी देवी है। बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है? जी, मैं अपने मौसी के घर में शादी फंक्शन में गई थी, वही उनका घर है। तो मैं वहाँ अपने मौसी घर शादी फंक्शन में गई थी, तो वो मुझे देखे, उन्हें प्यार हो गया, तो वो मुझे प्रपोज किए। तो मैं उन्हें मना करी कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं उन्हें मना करके मैं सोची कि अगर अपने घर पे चली जाऊंगी तो ये बात यही खत्म हो जाएगी। तो मैं वहां से अपने घर पे चली आई। मैं जब अपने घर पे चली आई तो उसके दूसरे दिन बाद ही वो लड़का मेरे घर पे आ गया। मेरे घर पे आके यहाँ पे आके हंगामा मचाने लगा, कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार किया हूँ, तुमसे शादी करूंगा, नहीं तो यही मर जाऊंगा, तुम्हें फंसा दूंगा यहाँ। और लड़का बोला जी, लड़का बोला, आप बोले लड़का बोला। अच्छा। मेरे द्वार पे आके तो यहाँ औरतें सब इकट्ठा हो गई, सब लड़कियां लड़के और मतलब औरतें बोलने लगी कि अगर लड़का मर जाएगा तो तुम सब फंस जाओगे, लो इससे बढ़िया है। लोग बोल रहे थे आपके गांव के? जी, वो बोले कि अगर लड़का ऐसे कर रहा है, मतलब ऐसा उसे व्यवहार देख लग रहा था ना कि वो मर जाएगा अगर शादी नहीं होगा, तो इतना उतावला था शादी करने के लिए जी। हाँ, कह रहे थे शादी होगा तो होगा, किसी भी हाल में होगा। अच्छा। तो मतलब सब कोई के राजा मंदिर से मैं बोली ठीक है शादी करना है, ठीक है कह रहा है कि मेरी शादी ऐसी होनी चाहिए कि आगे चलो कोई दिक्कत ही ना हो। तो मैं बोली चल चलिए कोर्ट मैरिज कर लिया जाए। तो मैं मतलब उस समय 14 साल की थी, नाबालिग थी। अच्छा। जी, तो जब वो कोर्ट में गया, शादी वहां करने से इनकार कर दिए लो, तो वो एक वकील पकड़ा वहीं पे, उस वकील को पैसा वैसा दिया और मतलब कोर्ट के थ्रू स्टाम्प पेपर बनवाया और शादी वादी मतलब वही स्टाम्प पेपर बनाया, वहाँ पूछताछ हुई, सब लिखा पड़ी, जो भी हुआ वही हुआ। फिर देवरिया मंदिर में, उसी मंदिर में गए हम लोग, उस मंदिर में तो गए, वहाँ शादी हुआ हमारी, मतलब पूरी रीति रिवाज से हिंदू धर्म से मेरी शादी संपन्न हो गई। सिंदूरदान सब चीज वहीं पे हुआ था। मेरे पास वीडियो है शादी की। वीडियो है? जी, मेरे पास शादी की वीडियो है। जब अच्छा, एक बात बताइए कि 14 साल के उम्र के जब आप थी तो उसका उम्र कितना था? जी, उसका उम्र मतलब 18 साल का था। उसका नाम क्या था? ब्रजेश कुशवाहा। मतलब कि सोचिए, ब्रजेश कुशवाहा इससे प्यार किए और प्यार करके अब छोड़ दिए। जी, अच्छा तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में कैसा कानून है और कैसा कोर्ट है कि 14 साल के उम्र में लड़की का और लड़का का भी उम्र नाबालिग था, नाबालिग था, तो फिर कैसे शादी हो गया कोर्ट? जी, वो पैसा ब्रजेश दिया था, ब्रजेश दिया कोर्ट में पैसा? जी हाँ, वहाँ कोर्ट में घुसखोरी। जी, मतलब वहाँ पैसा दिया शादी करने के लिए, बोला कि मतलब हमारी शादी कैसे भी करवा दीजिए। वहाँ वो 10,000 रुपया दे दिया, किसी भी वकील को आप अगर पैसा देंगे तो शादी करवाएगा ही। अच्छा, वकील को पैसा देकर शादी करवा देते हैं लोग यूपी में? जी, तो ऐसा हो ही रहा है, मेरे साथ हुआ है, तो मैं कहूँगी ना। भाई देखिए, सबसे बड़ी खबर जोगी बाबा के सरकार में कोर्ट में वकील साहब को पैसा दीजिए और किसी भी नाबालिग लड़की से शादी कर लीजिए, जो साथ इनके साथ भी हुआ है वही ना हुआ है? वही हुआ है। तो जी, मतलब शादी वहाँ हो गई हमारी, कोर्ट मैरिज मंदिर में भी हो गई थी। अच्छा, तो जब मैं बोली कौन मंदिर में?
देवरिया की जो मंदिर है उस मंदिर का मुझे नाम नहीं याद रहा है, झांकी में ही उसका मंदिर है, उसी मंदिर में मेरी शादी हो गई। तो मैं बोली कि अब शादी हो गई अपने घर लेके चलिए, तो कह रहे कि नहीं जहाँ रहोगे वहीं रहेंगे हम। तो मैं अपने घर पे आ गई, तो मेरे घर पे आके 4 महीने यहाँ रहा। अच्छा, 4 महीने जी। यहाँ के सब दोस्तों लड़के सब में से दोस्ती बनाया। अच्छा, सब घर जमाई हो गया जी, यही रहने लगा, यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। फिर अचानक से किसी बात पे उसके पापा जी फोन किए, उसे डांटे बोले तो मुझे लेकर दिल्ली चला गया जहाँ उसकी दीदी रहती है, रीता दीदी दिल्ली में। तो वहाँ ले गया, वहाँ हम लोग 4 महीने रहे सब साथ में। तो जब उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ तो वो जबरदस्ती मेरा अबॉर्शन करवाने की बात। गर्भवती भी है जी। अच्छा, जब मेरे साथ रहेगा, शारीरिक संबंध बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि होगा ही ये सब, ठीक है। तो मतलब जब वो अपने पापा जी के पास फोन किया, वो अपने पापा जी से कहा, पापा जी से बात है, तो उसके पिताजी कह रहे कुछ का अबॉर्शन करवा दो। मैं दरवाजे से बाप बोले की अबॉर्शन करवा दो जी, मैं दरवाजे पर खड़ी थी, मैं दरवाजे से सुन ली, ये अपने पापा जी से बात कर रहे थे। तो मैं उनसे झगड़ा लड़ाई की, मैं बोली कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम्हारे पिताजी जो कहेंगे वही करूंगी मैं। तो वो मुझे मारे पीटे, 1-2 दिन मुझसे बात नहीं किए, फिर उसके बाद बात करना ठीक हो गया, मेरे साथ रहने लगे। तो अचानक से मुझे तबियत खराब हो गया, बरसात के मौसम में तबियत खराब होता ही है सबका। तो मेरा तबियत खराब हो गया, तो मैं तो बिस्तर पर सोई थी, तो मैं बोली आप जाइए मुझे दवा ला कर दीजिए, मेरी तबियत खराब है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मेरे साथ धोखा कर रहा है। दवा मैं बोली थी बुखार का लाने के लिए, पर वो मेरा बच्चा गिरवाने का दवा लेकर आया, मुझे बैला फुसला के खिला दिया, बोला कि बुखार का दवा है खा लो। मैं दवा खाई और मेरा बच्चा नुकसान हो गया। अच्छा, मतलब वो एक और अपराध किया, एक हत्या भी किया है जी, तो उसके ऊपर एक और केस बनता है जी, बनेगा जाहिर सी बात, जब मेरा बच्चा मारा है तो उसका केस बनता नहीं है, एक केस तो बन गया उसके ऊपर। और ये बताइए, मैं किसी भी थाने पे जाती हूँ वहाँ मेरी सुनवाई नहीं होती है। अच्छा। यहाँ तक कि मैं अपने जिले कुशीनगर थाने पे गई थी, मैं उसके दरवाजे पे जब गई थी तो वहाँ सब कोई मुझे मिलके मारा पीटा। अच्छा, उसके घर वाले जी, उसके पिताजी, उसकी मम्मी, उसके भैया, उसकी दीदी और उसकी जीजू सब मिलकर मुझे मारे, मेरे कान में का झुमका तोड़ लिए, मेरा मंगलसूत्र तोड़ लिए दरवाजे पे, बेरहमी से मुझे मारे। 100 नंबर फोन की मैं, वो आए कुछ नहीं बोले, वो नहीं बोले थाने वाले नहीं।